चोट लग गई रे। नहीं नहीं नंगे पाँव है। नंगे पाँव हील्स पहने थे ना मैम। हेलो निकी मैम, मैम बट अच्छे लग रहे, डोंट वरी। सारा जी भी आ गए। अभी जा अभी जा सर, हटी जा। अनन्या जी भी आ गए, सब आ गए एक साथ। नरेश भाई हम निकी मैम के विजुअल करेंगे। अनन्या जी भी आ रही, साथ में कर लेते ना। निक्की जी निक्की जी निक्की जी रुको ना, क्या खुशबू है मडाइलैंड की, क्या बात है। हाँ सर क्या खुशबू है मडाइलैंड की, आप लोगों को भी आ रही है ना। हाँ हाँ बढ़िया है बढ़िया। चलो गाइस सी यू। चलो करो एक सेकंड। चलो 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 चलो। हाँ टू वन मार रहा भाई। भाई आप तो जा रहे, रुको ना भाई, हम लोग अब भी आए। कैसे भाई, कैसे भाई आप लोग, कैसे फोटो दो कुछ आपका लुक मस्त है। अमर आ जाओ आपका भाई, क्या कहें हम अभी तो कहने वाले तो अंदर है, हम तो सिर्फ करने वाले हैं, जो करते हैं देखते क्या होता है। फिनाले हो या कुछ भी हो भाई, हमारी टांग पे टांग और हाथ तोड़वाने के फुल यू नो चांसेस होते हैं यहाँ पे, लेकिन मज़ा आता है जो भी है। आज बहुत लोग आने वाले हैं, नाम ही खतरा है। हाँ नाम ही खतरा है। हर्ष भाई वो रील्स पे अच्छा भी लग रहा है। आ जाना हर्ष भाई, अभी जा पहले फोटो कर लेते, पहले फोटो कर लेते फिर आराम से फोटो कर लेते। फोटो करेंगे या फोटोग्राफर आए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर मैम, यहाँ पर यही कैमरा खाली चलेगा अभी। अरे यार उसमें ये जोड़ी हिट हो गई है। मैम यहाँ पर फोटो नहीं हो रही, यहाँ पर यहाँ पर आज तो खतरा ही खतरा है। आज लास्ट दिन हमको बुरा भी लग रहा है, हमने हम मिस करेंगे सेट को। लेकिन टाइम लगेगा ना आते आते, दो हाँ तो नहीं करवाया अपना आप। आज 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 एक किलो चीनी मंगा के सबका मुंह मीठा करो। चीनी से क्या होगा, इतना बड़ा सो है, चीनी से थोड़ी चलेगा। काजू कतरी कम से कम सोने के लड्डू मंगाओ। काजू कतरी काजू नहीं, हमने बियर नहीं पीता। सबके सबके लग रहा है शक्ल से कहना है, घर पिया आंखें देखो और देखो ये देखो लग रहा है कुछ भी जरा हंसी। ये है ना नोरा वाला, एक बार बोल, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार बोल। बड़ी अच्छी आवाज, कैसे बोलना भाई, बोलना राजा। वो अचानक में निकल गया, चलो बाइक कर लो। एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ, डेढ़ घंटा ही देते दीजिए। मिनट पे लो यार, पहले दो दो तीन क्वेश्चन हमारे, चलो। अच्छा मैम तो ये जानना चाह रहे हैं, आज फिनाले फाइनल शूट हो रहा है तो क्या कुछ कह रही है आज के लिए? थोड़ा दुख भी हो रहा है लेकिन थोड़ी खुशी भी हो रही है कि अगले सीजन में आएंगे, थोड़ा और चीज़ें जो इस सीजन में चीज़ें है ना थोड़ी सी रह गई हैं वो अगले सीजन में। आइए बैठिए भैया, आप बैठे पंखा चला दो इनको कोल्ड। सो अगले सीजन में वो चीज़ें थोड़ी और बड़ी होंगी। कहते हैं फर्स्ट सीजन जब भी आता है उसमें बहुत सारी गलतियां पता चलती हैं कि ये नहीं करना ये करना, तो सेकंड सीजन में वो सारी चीज़ें सुधार के लाएंगे। और बस अभी सब छुट्टियां का प्लान बना रहे कौन कहाँ जाएगा, मैं बना के भी नहीं बना सकती क्योंकि बच्चा अभी 40 डेज का नहीं हुआ, वो तो ट्रैवल नहीं करवाते। आपने किसी ने करवाया अपने बच्चे को ट्रैवल, आपका है नहीं?
एक ही हाँ टाइम ही नहीं मिलता होगा ना। अरे क्या मतलब फैमिली के साथ इसमें हंसने की बात है। आप लोग कितने? आप लोग काफी बिजी रहते हैं। अमर के दो हैं। अमर दो हैं। दो हैं भाई। अरे इसे कहते हैं वक्त निकालना फैमिली के लिए। फैमिली के लिए एक रेहान से एक आराम हो जाती है। लेकिन आप लोग को छुट्टियां नहीं होती होंगी ना? भारती जी मैं तो बात करूँगा, टाइम ही टाइम होगा आपके पास। तो गोला के साथ में कितना एंजॉय करने वाला हमारे गोला बोले के लिए कुछ बता दें आप। गोला को मैं चाहती तो मैं पहले दिन ही जब पैदा हुआ था उसी दिन दिखा देती, लेकिन कुछ घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना जो बोलते हैं अभी बच्चे को नहीं दिखाना 40 डेज हो जाए, तो वो थोड़ा इसीलिए रुक रहे हैं। लेकिन बस 40 डेज होने वाले, मैं तो तुरंत ही फोटो डाल देने सारे। और लोग बहुत ही नज़र लगती, मैं बोलती हूँ कि जो प्यार करते हैं ना वो कभी नज़र नहीं लगाते, उनका प्यार मिलता है नज़र नहीं होती। सो आप लोग भी जब बेबी को देखेंगे तो आप भी बोलोगे अरे यार भारतीय हर्ष का बच्चा कितना प्यारा। तो ये नज़र नहीं होती, ये ब्लेसिंग होता है, ये प्यार होता है। तो थोड़ा कभी कभी घर वालों की बात भी मान लेनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा कर रहे हैं क्योंकि मम्मी आपको पता ना फिर ऐसे कर रही है। हमारे टाइम में तो उनका टाइम यार अपना ही टाइम याद दिलाते रहते हैं। बट बड़े एक्साइटेड है, कल हमारे गोला का फोटो शूट था घर पे, वो जो छोटे बच्चों का करते हैं कभी अंडे में से तरबूज में से ऐसा बना बना के मैंने किया, मैं बड़ा मजा करती हूँ। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बेस्ट फ्रेंड मिल गया, क्योंकि हर्ष काफ़ी बिजी रहता था। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक ही बेटा था हर्ष, अभी दो बेटे हैं। मुझे तो बेटी चाहिए थी जो समेटे घर। अभी मुझे ये बड़ा हो जाएगा, मुझे और शूज जैकेट संभालने पड़ेंगे। मैं यही सोच सोच के मेरे को ऐसे हो रहा है कि अभी और बड़ा घर लो, अलमारियाँ बनाओ और जूते समेटो। हाँ जी, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी बेटी आ जाएगी। अब इस बहाने ना लड्डू मत वापस मांग लेना, इसी चक्कर में बार बार बच्चे दो होने चाहिए। मतलब एक ड्राइवर जैसा, एक आपके कुक जैसा, काम वाले जैसा होनी चाहिए। मैं अभी मानती हूँ अभी होनी चाहिए, लेकिन अभी हो जाएगी। काम करो, रेस्ट करो, अच्छे से तू ये बता रहे हैं। है मेरी असली सासू माँ। हाँ मतलब अभी 2 साल का गैप होना चाहिए, है ना। और बिल्कुल, बिल्कुल। भाई है तो बहन होनी चाहिए, और अगर बहन आती तो भाई होना चाहिए। चल थैंक यू लगाइए, ऊपर वाले में लगा। रोहित की शादी के लिए ऊपर वाले में लगा। आपकी शादी कब हो रही है? हो जाएगी। अब टेंशन मुझे कोई नहीं है, हम हो जाएगी। फिर भी कब होएगी? हो जाएगी सर। पक्का? हम आपको जरूर बुलाएंगे। पक्का? ये नहीं बुलाते बाद में, एक ही बार बुलाएंगे। आपने मैंने बुलाया, हम आपको जरूर बुलाएंगे। अच्छा ये बात कभी जानना है, हर एक बात में कंप्लेंट है। हां ना, रोहित नहीं इतना प्यार मिला यार गोले को। प्यार मिलते जब हम आपसे मिलते हैं तो हमको हाउ स्वीट यार। लेकिन आप लोग का प्यार बहुत मिलता है। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी आप लोग बड़ी केयर करते थे, और मतलब भाई ना भाई बहन बहुत मुश्किल से लोग बोलते हैं, लेकिन आप बोलते थे कि हमारा भांजा कब आने वाला है, हम लोग मामा है। तो मेरे को बड़ा खुशी होती है, क्योंकि आजकल ना भाई बहन कोई बहुत ही कम लोग बोलते हैं अरे ये वो। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सो मीडिया से अलग ही मेरा रिलेशन है। आप लोग चाहे टाइम नहीं होता, लेकिन थोड़ा भी टाइम होता उसमें भी मैं बहुत मस्ती मस्ती करके निकल जाती हूँ। बट आप लोग जब आते हो तो खुशी है। हाँ घर पे तो ये कहने लगे कि देखो तुम्हारी दीदी का मैसेज आया। हाउ स्वीट यार, हाउ स्वीट। रेडी मैम अभी अपना कर ले। हाँ कर लो कर लो, थैंक यू, कट कर ले। कहाँ पे? परसा सेट पे। अच्छा, और आपका ही सॉन्ग में रील्स पे यूज किया था यार। आप लोगों को सब मिलते ही रहते हैं, इतना रहने चाहिए। पकड़ ले तो कहीं ना कहीं। हाँ सब बड़े अच्छे लगते हैं, साथ में भी अच्छे लगते हैं, सिंगल भी अच्छा लगता है। हाँ साथ में आ जाएगा भाई। ब्लैक कॉफी, नए नए लड़के हैं ना इसलिए ब्लैक कॉफी। हाँ यार ब्लैक कॉफी चलता है भाई। भाई रुको ना, रुको रुको रुको। देसी चाय, देसी चाय, एक मिनट, देसी चाय या ब्लैक कॉफी? देसी चाय। ये मैं मानता हूँ भाई, मेरे को चाय बहुत पसंद है, बट मेरे को दूध जो है ना, दूध से मेरे को एलर्जी होता है। दूध से ब्लैक कॉफी का जमाना तो अभी अभी आया भाई, चाय तो पहले से चलती है। क्या बात है भाई, आप भी चाय हो मेरा। हां अच्छी, हम भी चाय पिएंगे बाकी अलग रात को। मैं लाइक है अनन्या, मैं अनन्या ऐसा सेंटर। थैंक यू मैम, धन्यवाद।
अनन्या जी अरे भाई गिरा मत देना यार आराम से। पार्टी को सामने पार्टी को मैम सामने सामने मैम यहाँ पर थैंक यू मैम। धन्यवाद जी।